खबरों की ओर, जहां कोटपुतली बहरोड में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बॉर्डर चेक पोस्ट सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी की व्यवस्था को लेकर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सड़कों पर उतरी और हर आने जाने वाले की सघन जांच की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बंदिता राणा समेत पुलिस कर्मी मौजूद रहे। वही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, अपनी पैनी नजर आने जाने वाले वाहनों पर बनाए रखे हुए हैं। कोटपुतली के बहरोड कस्बे में बीते दिनों शोरूम के बाहर खड़ी बाइक की डिग्गी से 5 लाख रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। नीम राणा एडिशनल एसपी शालिनी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चोरी करने वाले चोर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कुख्यात कटिया सासी गैंग के सदस्य है, जिन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर उनकी पहचान की और फिर हरियाणा गुड़गांव से चोरी की घटना में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 बाइक और चोरी किए गए 5 लाख रुपए बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस सभी अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। 10 अप्रैल को एक पीड़ित दंपति ने थाना बहरोड पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो कस्बा बहरोड में स्थित SBI बैंक के अपने खाते से उन्होंने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए और उसके बाद में उन 5 लाख रुपयों को अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख कर कुछ देर के लिए वे एक शोरूम में कोई परचेजिंग करने चले गए थे। उसी दौरान जो है पीछे से जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल की डिग्गी टूटी हुई है और उसमें जो राशि रखी हुई थी 5 लाख रुपए की वो वहाँ पे नहीं थी। इस पे उन्होंने जब रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए SP साहब के निर्देशन में 3 स्पेशलाइज्ड टीम्स गठित की गई, जिसमें SHO बहरोड, SHO सदर बहरोड, मांडन और SHO प्रागपुरा, इनके नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई और हर एक टीम की हमने स्पेसिफिक टास्किंग की, क्योंकि तब तक न तो वो जो मुलजिम थे वो आइडेंटिफाइड थे। तो उसमें एक टीम ने जो है वो जितने भी हमारे कस्बा बहरोड के CCTVs थे, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जो CCTVs थे उनको चेक किया। लगभग हमने इस तरीके से चेक करते करते हमने 156 CCTV कैमराज को चेक किया है। उससे हमें एक उनका रूट आइडेंटिफाई हुआ कि इस तरीके की जो मोटरसाइकिल थी और इस तरीके के हुलिये के व्यक्ति किस रूट से होके यहाँ से निकले हैं। उसके बाद में हमने जो हमारी जो दूसरी टीम थी उसको उनके पीछे हमने भेजा गुड़गांव तक, और एक टीम जो थी जैसे ही हमने और विजुअल्स कलेक्ट किए CCTV के थ्रू तो हमें उनकी थोड़ी क्लियर पिक्चर मिली, जिससे हमने जितना हमारे सूचना अधिकारी थे उनके मार्फत हमने ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे उसको सर्कुलेट करवाया। इससे हमें एक आइडिया लगा कि ये मध्य प्रदेश की कोई गैंग हो सकती है, तो वहाँ पर भी हमारी एक टीम उसी समय हमने रवाना कर दी। मैम किस तरह वारदात में ये जितनी मल्टीटास्किंग जो थी इस वजह से ही उसी का परिणाम रहा कि हमने मात्र 6 दिनों के अंदर अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया गया, जो लगभग बिल्कुल अज्ञात सी एक वारदात थी। जो जिन्होंने घटना की वो तुरंत ही यहाँ से क्षेत्र से निकल गए थे, तो मल्टीटास्किंग का ही नतीजा रहा इसमें। कौन सी गैंग और कौन कौन लोग, कितने लोग ये जब हमने इनको ट्रेस किया तो ये कड़िया गैंग है, मध्य प्रदेश के ये रहने वाले हैं, तो ये कड़िया गैंग से रिलेटेड लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। ये इनका बेसिकली पेशा यही है कि ये किसी जगह जाते हैं, एक दिन पहले वहाँ रेकी करते हैं, फिर अगले और उस जगह से ये बहुत दूर 100-150 किलोमीटर दूर। धर्मनगरी नोगमा में रामनवमी के पावन पर्व पर बैंड बाजों के साथ श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सीताराम जी मंदिर से निकालकर नोगमा के कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए हनुमान मंदिर बगीची पहुंची, तो वहीं कस्बे में जगह जगह भक्तों ने शोभा यात्रा पर पुष्प बरसा कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ
पुरुष और बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा कस्बा गूंजता रहा। इस दौरान सनातन धर्म कमेटी अध्यक्ष नेमी चंद, जागीड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष नवीन भारद्वाज, जयंत शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, मयंक भारद्वाज, प्रहलाद सोनी समेत रितु गुर्जर मौजूद रहे। पंडित राम स्वरूप शर्मा, सीताराम मंदिर का पुजारी। ये रामनवमी के उपलक्ष्य में पालकी निकाली जाती है, जो सीताराम मंदिर से हनुमान बगीचे में जाके विश्राम करती है और बारस को रावण दहन करके मनोरंजन के साथ वापसी अपने सीताराम मंदिर पे पधारती है। 70 वर्ष करीबन 70-80 साल पुरानी परंपराओं के अनुसार चलती है और पुराने आदमियों ने जैसे चलाई है उसी के हिसाब से चलती आ रही है, हम भी उसी के हिसाब से चला रहे हैं। जब तक हमारी हिम्मत है, जिंदे हैं, चलाते रहेंगे। और सीताराम जी का जन्मदिन अच्छी तरह धूमधाम से मना मने हिंदू धर्म का प्रचार हो और उसी के उपलक्ष्य में बारस को रावण दहन करते हैं, जिससे मनोरंजन बढ़ा रहे, पब्लिक देखती रहे और पुरानी परंपरा के हिसाब से। सीताराम जी महाराज की जय। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। देश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार।